नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लोकसभा चुनाव 2024 तो भले खत्म हो चुका है, लेकिन 24 का दंगल अभी जारी है। अब की महाभारत हरियाणा में है और चुनावी शोर में जो मुद्दे गूंज रहे हैं वो लोकसभा चुनाव से अलग नहीं है। किसान, जवान, महिला और नौजवान, आरक्षण और संविधान, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है हरियाणा का चुनाव। आज प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पलवल में अपनी चौथी और आखिरी रैली की और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी की हैट्रिक का दावा किया। उधर राहुल गांधी तूफानी अवतार में नजर आ रहे हैं। 3 दिनों के संकल्प यात्रा के जरिए राहुल भाजपा पर हमलावर हैं। कांग्रेस की गुटबाजी को भी राहुल गांधी ने आज बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश की, यानी एक बेहद दिलचस्प पावर पैक्ड चुनाव के लिए हरियाणा तैयार है। ऐसे में आज देखिए फाइनल फाइट मोदी वर्सेस राहुल। यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। बीजेपी को हराइए और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। हरियाणा का चुनावी जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। दोनों ही दलों के नेता आक्रामक तौर पर चुनावी अभियान में जुटे। सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। ऐसे में अब हरियाणा की जिम्मेदारी पीएम मोदी और राहुल गांधी ने संभाल रखी। हरियाणा का चुनाव अब दोनों ही नेताओं के लिए साख का सवाल बन गया। आज गांव गांव में चारों तरफ भाजपा की लहर है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। हरियाणा के सत्ता पर काबिज होने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच शहमात का खेल जारी। ये विधानसभा चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा, तो हरियाणा के सियासी परिवारों का भविष्य भी तय करेगा। बीजेपी सत्ता के हैट्रिक लगाने की कवायद में, तो कांग्रेस अपने 10 साल से झेल रहे सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब। इसीलिए दोनों ही दल इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत संभल कर चल रहे और फूक फूक कर अपने कदम बढ़ा रहे, ताकि हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव इतना अहम हो गया है कि अब हरियाणा में राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी एक ही दिन चुनावी मैदान में। एक तरफ राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी हरियाणा के पलवल में चुनावी सभा में कांग्रेस पर हमलावर हैं। एक तरफ बीजेपी के किले में सेंधमारी करने के लिए राहुल गांधी हरियाणा में यात्रा कर रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी के गढ़ में उन्हें ललकार रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन सोनीपत में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया, उन्हें संविधान और आरक्षण विरोधी करार दिया। तो वहीं पलवल में पीएम मोदी ने उल्टा कांग्रेस को ही आरक्षण विरोधी करार दे दिया। जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है, दलितों को, किसानों को, पिछड़ों को, जो भी मिला है आज तक, वो इसके कारण मिला है। और बीजेपी 24 घंटा इस पर आक्रमण करती है, वो इसको खत्म करते हैं, हम इसकी रक्षा करते हैं। कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी एसटी और ओबीसी समुदाय को
संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों के जरिए हरियाणा के सभी सीटों को साधने का दाव चला। नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिन जिन इलाकों में जनसभाएं करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करते नजर आए हैं, अब उन्हीं इलाकों में राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी पर करारा वार कर रहे हैं। हरियाणा में भी इन्होंने नया काम किया है, पहले आधार कार्ड था, अब परिवार का एक बना दिया है, क्या कहते हैं उसको, परिवार पहचान पत्र। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी इसको खत्म कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बीजेपी सरकार के साथ ही पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। अग्निवीर योजना को बीजेपी की फर्जी नीति करार दिया है। आपके लोग सेना में जाते थे, देशभक्ति की आग उनके दिल में होती थी, वो जाते थे, वो रास्ता भी अग्निवीर योजना के माध्यम से बंद कर दिया है। अग्निवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पेंशन, उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है। राहुल की रैली को अपार जनसमर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जहां जहां से राहुल का कारवा गुजर रहा है, वहां भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बब्बर शेर कहकर उनका हौसला और हाई कर दिया। यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टाइगर जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं, बब्बर शेर, जंगल में जाओ तो आपको एक शेर दिखेगा, अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उधर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अंतर कलह है और वो पिछड़ा और दलित विरोधी है, तो वहीं राहुल गांधी ने सब कुछ ठीक होने की बात कही। हाँ, हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। दलित समाज ने भी ठान लिया है बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शेर हैं, टाइगर हैं। दरअसल कांग्रेस सीएम फेस को लेकर काफी समय से दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही थी। कई मौकों पर सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी एक दूसरे से दूर दूर नजर आते रहे। हालांकि राहुल गांधी इन दोनों ही नेताओं को एक मंच पर लाकर संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। उधर राहुल बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी पिछड़ा और दलित कार्ड खेल रहे हैं ताकि हरियाणा के सपोर्ट बैंक को साधा जा सके। ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुना नहीं है, हमारा गुना यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन ने राहुल गांधी का कद ऊंचा कर दिया है, साथ ही उनकी राजनीतिक छवि को जबरदस्त फायदा मिला। ऐसे में राजनीति के दांव पेच को राहुल भी अब गहराई से समझते हैं। यही वजह है कि अब वो खुलकर बीजेपी को उसी के स्टाइल में जवाब दे रहे हैं। जितना मुझे रोकना है रोको भैया, जितनी मुझे अपने मीडिया से गाली लगवानी है लगवा लो, जितना है रोकना है रोको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार होगी, और फिर जो पैसा इन्होंने उनको दिया है, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है,
उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। आखिर हरियाणा का चुनाव बीजेपी कांग्रेस के लिए इतना अहम क्यों? क्यों पीएम मोदी और राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी? इसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो हरियाणा का रण बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन ये किसे टेंशन देगा चुनाव बाद? चुनाव बाद क्या होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जमीन पर नजर क्या आ रहा है, किसकी टेंशन हाई है, आप कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से समझिए। देखिए, नरेंद्र मोदी यहां पर कोशिश, ये सत्ता बचाने का दबाव है बीजेपी पर। उधर पार्टी का हौसला हाई नजर आता है, जीत की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। इधर बागियों से निपटने की टेंशन है, तो उधर एकजुटता बनाने की कोशिश में सफलता क्या मिल पाई है, ये भी इस पर अभी एक प्रश्न है। इधर सीएम फेस का मसला सुलझाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि तीन तीन दावेदार जो है, एक तो सैनी है ही, विज है, और कई नाम सामने आ रहे हैं, उनके बीच कैसे उसको सुलझाया जाएगा। राहुल गांधी देखिए अंतरकलह को दूर करने में सफल दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर भी शैलजा हुड्डा की लड़ाई आगे क्या खेल खेलेगी ये देखना होगा। लोकसभा में डेंट को भरना, जो नुकसान हुआ ये एक बड़ा चैलेंज है। तो इधर लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में भुनाना, इसी कोशिश में लगे हुए हैं राहुल गांधी। साथ ही एंटी इनकम्बेंसी का दबाव है, इसी दबाव के तहत बीजेपी काम कर रही है, तो सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कांग्रेस बखूबी करती नजर आ रही है। अब हरियाणा चुनाव क्यों अहम है, आइए ये भी जान लेते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य दरअसल यही चुनाव तय करने वाला है। बीजेपी हारी तो देखिए महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में इसका साफ साफ असर होगा, कांग्रेस हारी तो क्या होगा वो भी जान लीजिए। इंडिया गठबंधन कमजोर होगा, इस पर असर पड़ सकता है इस हार जीत का। जो संभावित विपरीत प्रभाव हो सकते हैं वो ये कि हार पर बीजेपी कांग्रेस के सहयोगी साथ छोड़ देंगे, सबसे बड़ा डर इसी का है, और इसके अलावा मोदी राहुल दोनों की स्वीकारिता भी इसके जरिए तय होगी। भाजपा के लिए हरियाणा चुनाव साख बचाने का सवाल है, अगर हारे तो भाजपा का स्वर्णिम युग ढलान पर केंद्र सरकार की स्थिरता तक पर सवाल उठेंगे, और अगर कांग्रेस हारी तो फिर उससे अन्य दल पीछा छुड़वाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी ये करो या मरो वाला चुनाव है, अगर कांग्रेस हारी तो उनके पास रिटायर होने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, अगर जीत गई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार होंगे हुड्डा। दरअसल हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा की बड़ी आबादी खेती किसानी करती है, ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों में किसानों को लुभाने की होड़ मची है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसान को साथ लिया तो फिर हरियाणा के सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों अपने अपने दलों को किसान हितैषी करार देने में जुटे हैं। जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा हिंदुस्तान के किसान मजदूर गरीब दलित उनके जेब में डालेगा। एमएसपी दिलवाकर कर्जा माफ करकर किसान को गारंटी एमएसपी हरियाणा में। आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ तीन चार फसलों पर एमएसपी देती थी, वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। उधर राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोला, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस वालों के चेहरों पर मुस्कान रहती है तो वहीं बीजेपी आरएसएस वालों के चेहरों पर गुस्सा नजर आता। मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं, एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी, और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने। बदलते वक्त के साथ राहुल गांधी ने अपने प्रचार का तरीका भी बदला है, जिससे बीजेपी को लगातार टेंट पहुंच रहा। राहुल गांधी ये समझ चुकी है कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो फिर उसे उसी के घर में चैलेंज देना होगा, साथ ही अगर जंग जीतनी है तो फिर उसके सेनापति पर ही वार की तरकीब भी राहुल समझ चुके हैं। यही वजह है कि अपनी यात्रा का आगाज राहुल ने अंबाला के नारायणगढ़ से की, क्योंकि अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूर्व में मौजूदा सीएम नायब सैनी का चुनाव क्षेत्र भी रह चुका है। साथ ही इस यात्रा के दौरान राहुल लाडवा से भी गुजरे, जहां से सीएम नायब सिंह इस बार प्रत्याशी। यही नहीं, पहले दिन की यात्रा का अंत उस कुरुक्षेत्र से हो रहा है, जहां से कभी नायब सिंह सैनी सांसद रहे।
यानी सीधा सीएम के पूरे बेल्ट को राहुल गांधी ने टारगेट किया है, ताकि इस इलाके में सेंधमारी कर बीजेपी को करारा डेंट पहुंचाया जा सके। हालांकि नायब सिंह सैनी ने राहुल की इस यात्रा को लेकर साफ कहा है कि जनता कांग्रेस और राहुल के आरक्षण विरोधी चेहरे को पहचान चुकी है, ऐसे में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। हरियाणा की जनता भी इससे कुछ सवाल करेगी कि राहुल बाबा, आपने जो संविधान की भूख उठा करके वो बोला था कि मोदी आएगा आरक्षण खत्म करेगा, इसके बारे में हमारा हरियाणा का दलित आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी की पदयात्रा आखिरी ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी जैसी साबित होगी, इसके बूते पर पार्टी 60 सीटों के नजदीक पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ फैसला कर चुके हैं आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार, और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। अच्छा होता वो अपनी हरियाणा में उपलब्धि गिनाते, कितने उन्हें मेडिकल कॉलेज बना लिए, कितनी मेट्रो बढ़ा दी, कितनी रेलवे लाइन बिछा दी, ये गिनाते तो अच्छे होते। कितने मतलब नौकरियां की बात करते हैं, इतनी भारी लूट, ये जो कौशल रोजगार निगम है ना, वहाँ रिजर्वेशन ना मेरिट, और परचून की तरह नौकरियां भी की हैं, ये बता देते हैं कहाँ गया पैसा इतना। हालांकि राहुल गांधी लगातार बीजेपी के साथ छोटे और क्षेत्रीय दलों पर भी हमलावर हैं। उनका आरोप है कि छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी की बी टीम, ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने की लोगों के बीच में लड़ाई। तो राहुल गांधी बी टीम सी टीम का जिक्र कर रहे हैं। अब राहुल ने क्यों कहा क्षेत्रीय दल बीजेपी की बी टीम, इसके कारणों में जाना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, पिछली सरकार भी क्षेत्रीय दल के समर्थन से बनी थी, आपको याद होगा, जेजेपी के समर्थन से 2018 में जेजेपी बनी थी, एक साल के भीतर 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। बहुमत नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी ने जेजेपी के साथ उसकी बदौलत जाकर सत्ता हासिल कर ली। दूसरी बड़ी बात, निर्दलीय छोटे दलों का बीजेपी को बाहर से समर्थन माना जाता है। जेजेपी, इनेलो, गोपाल कांडा की हरियाणा लोक हित पार्टी, इन तमाम दलों को राहुल ने बीजेपी की बी टीम कहा है। इसके अलावा देखिए, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर छोटे दल वोट कटुआ की भूमिका में हैं। बहादुरगढ़, हिसार, उचाना कला, रानिया, तोशाम, सफीदो, गुरुग्राम, ऐसे कई सीट्स हैं जहां ये हालात हैं। और बीजेपी के लिए इसमें फायदा कैसे है, तो वो फायदा ऐसे दिखता है कि वोट कटुआ की भूमिका कई सीटों पर बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है, और यही सियासी गुणा गणित हरियाणा के दंगल को दिलचस्प बना रहा है। लेकिन दावा अपना अपना है। राहुल गांधी ने दावा किया कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, पीएम कह रहे हैं भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, लेकिन तय हरियाणा को करना है। फिलहाल बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24।